अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देहाती मुंडा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे तो। इस वीडियो में मैं आपको जो B4U का एक प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट, उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि भाई B4U एक ओरिजिनल कंपनी है। इनके जो CEO हैं सैफुरहमान साहब, वो भी कह रहे होते हैं, कहते रहते हैं कि भाई मैं जो भी बात करता हूँ वो कहता नहीं हूँ, ठीक है, मैं मतलब कह क्यों हूँ ये वो, मैं जो मतलब या मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ ज़रूर, ठीक है, सिर्फ मेरी मुँह की बातें नहीं हैं बल्कि मैं उनको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चंद आपको जो हैं पिक्चर्स दिखाई जाएँ B4U के हवाले से, ताकि आपका जो यकीन है, जो भरोसा है B4U पे, और ज़्यादा थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाऊंगा, ये फेडरल FBR से भी रजिस्टर्ड है, इसको आप जाके SCP लिखेंगे तो आपके पास गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ पे B4U ग्लोबल जो है वो लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो भी आप लिखें कंपनी का कि भाई कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं है, तो वहाँ पर आप जाके SCP आप जो है टाइप करना गूगल पर जाके, वहाँ पर सर्च करना और इधर एंटर करना, जो भी आप कंपनी का चेक करना चाहते हैं कि भाई कौन सी जो है कंपनी वो रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं है रजिस्टर्ड, अब वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल उसका CNIC जो सैफुरहमान साहब के, और क्या टाइप है पाकिस्तानी है, नाम दिया हुआ सैफुरहमान साहब, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इसमें दिया हुआ है देखें, और उनका जो ईमेल एड्रेस है SU मतलब सैफुरहमान खान 9 gmail, ठीक है, पीरियड वगैरह सब कुछ उसमें दिया हुआ है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1968 है, ठीक है, वो भी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बाकी उनके जो प्लॉट्स वगैरह हैं, ठीक है, कमर्शियल स्ट्रीट नंबर बेसमेंट कराची, उनका जो एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस भी जो है मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, उनके प्लॉट्स वगैरह न्याजी हाइट वगैरह ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है उनकी सारी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जो जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पे भी आप इनको भी जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैं क्लियर देखूं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी जो पिक्चर्स हैं कुछ नीचे पोस्ट हो सके कमेंट में तो मैं कर देता हूँ, आप वहाँ से पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखें इनमें एड्रेस सारा कुछ दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर इनकी जो कंपनीज वगैरह हैं, जो जो भी चीज़ें वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, ये ट्रांसपोर्ट का जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है उसके हवाले से भी ये सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है, आप इनको देखें समझें, ठीक है, फिर आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, अपना जो दिल है उसको मजबूत रखें, डरना नहीं, जो भी कारोबार करना है तो उस चीज़ से डरना नहीं है बल्कि आपने इस चीज़ से लड़ना है, लेकिन रिस्क लिए बगैर जो है इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हम जो भी फिज़िकली कारोबार करते हैं, हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई मतलब जैसे सीमेंट का किसी तरह का भी जो है हम कारोबार करते हैं तो उसमें हमें रिस्क लेना पड़ता है, उसमें भी हमें ये नहीं पता होता कि यार मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसी तरह ये भी एक रिस्क ही है, मतलब आप रिस्क लेंगे तो आप जो है आगे कुछ करेंगे, रिस्क लिए बगैर आप कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं कर सकते, सही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे छोड़ दें B4U के हवाले से। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।